Students, today this is your English class, and today we are going to start your new grammar topic which is nouns, numbers, gender. So, in this topic, we are going to learn about how to form the plurals and singulars of nouns and the, their gender form. So, nouns are divided into three countable nouns, uncountable nouns, and compound nouns. सो स्टूडेंट एज यू नो काउंटेबल नाउंस आर द नाउंस विच कैन बी काउंटेड इन नंबर आर काउंटेबल नाउंस फॉर एग्जाम्पल काउस चिल्ड्रेन मैन बुक्स एक्सेट्रा जिनको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउंस होते हैं लाइक वाइज अनकाउंटेबल नाउम्स सम नाउंस के नॉट बी काउंटेड हाउ वी कैन मेजर और वे दैम सच नाउंस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउंस कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट इन नंबर नहीं कर सकते बट वी कैन वे दैम उनका हम वजन कर सकते हैं वी कैन मेजर देम सो सच टाइप ऑफ नाउंस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन् फॉर एग्जाम्पल वाटर वी कैन वे वाटर बट वी नॉट काउंट वी कैन मेजर इट ऑल्सो लाइक वाइज राइस राइस वी कैन नॉट काउंट राइस बट वी कैन वे इट

और प्लूरल यानी कि दो या दो से ज्यादा एक से ज्यादा जैसे हम हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंटेबल नाउंस इज कॉल्ड नंबर जब हम काउंटेबल नाउंस को कैरेक्टराइज करते हैं अलग अलग टाइप में उसको डिफाइन करते हैं काइंड्स में सो दे आर कॉल्ड नंबर्स सो वी हैव वी कैन से नंबर इज़ अर डिस्टिंक्शन बिटवीन नाउंस टू एक्सप्रेस वन थिंग और मोर देन वन थिंग इस नंबर को हम ऐसे भी डिस्क्राइब या डिफाइन कर सकते हैं जो हम डिफरेंस बताते हैं नाउंस को एक्सप्रेस करने में एक चीज़ में और एक से ज़्यादा वस्तु में सो देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश इंग्लिश में दो टाइप्स के नंबर होते हैं फर्स्ट इज सिंगर एंड द सेकेंड इज़ फ्लोरल नंबर सिंगर नंबर ओनली वन पर्सन और वन थिंगर नंबर फॉर एग्जाम्पल बुक चेयर टेबल कार गर्ल एक्सेट्रा जब हम किसी एक ही वस्तु को बताते हैं वह सिंगुलर नंबर होता है सिमिलरली प्लोरल नंबर और नाउन दैट स्टैंड मोर देन पर्सन और मोर देन थिंग इट कैन बी इन प्लो नंबर जब कोई वस्तु एक या एक से ज्यादा को डिफाइन करती है बताती है डिस्क्राइब करती है वह प्लूरल नंबर होता है फॉर एग्जांपल बुक्स चेयर्स, टेबल्स कैट्स एक्सेट्रा नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कंपाउंड नाउन देर आर समेकल कुछ टाइप के नाउन होते हैं जो डबल प्लूरल। लेते हैं जैसे कि लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल हो जाता है लॉर्ड्स

बनाने के लिए लास्ट में एस ऐड करते हैं सिंगुलर के लिए एग्जाम्पल एप्पल में हमने एस ऐड कर दिया तो एप्पल्स आई में हमने एस ऐड कर दिया आइस ऐसे ही हमने बाकी सारे भी किए हैं सो सेकेंड फॉर्मेशन रोल है नाउंस जो एस डबल एस एक्स एस एच और सी एच से एंड होते हैं उनमें हम ई एस करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए नेक्स्ट रोल है ना नाउन एंडिंग इन वाई प्रिसडेड बाई अ कॉन्जोनेंट जो कॉन्जोनेंट से एंड होते हैं सो so हम वहाँ पर वाई को टाकर आई ई एस एड कर देते हैं जैसे कि फेवरी विच एंड वाई इन प्लोरल बिकम्स फेवरीज विच कम्स एज एफ ए आई आर आई ई एस लाइक वेज वी हैल हैव गि इन यू वर्कशीट टूडे रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट